17 फरवरी 2017 केरला की एक टॉप एक्ट्रेस थ्रिसूर से कोची जा रही थी। रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे केरला फिल्म इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया। उन एक्ट्रेस के साथ न सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट होता है बल्कि उनकी वीडियोस भी बना ली जाती है। उस एक्ट्रेस ने इस इंसिडेंट को कतई बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने तुरंत FIR कराया। चूंकि ये केस बहुत हाई प्रोफाइल था, 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार था। पुलिस पे और सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव था। पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की और जो नाम सामने निकल के आया वो था एक्टर दिलीप। जिसे नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि एक्टर दिलीप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े मेगा स्टार हैं। ये केस फिर कोर्ट में गया और वही हुआ जो हमेशा होता आया है। दिलीप ने अपने इन्फ्लुएंस और नेटवर्क की वजह से जल्द ही उन्हें बेल मिल गया और वो छूट गए। अब इस केस को लेकर 18 मई 2017 को 14 महिलाएं केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन से मिलती और रिक्वेस्ट करती हैं कि इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसका एक प्रोबेबल सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके इमीडिएटली बाद सोशल मीडिया पे अलकोप्पम ट्रेंड करने लगा, #अलकोप्पम। इसका मतलब होता है आई एम विथ हर। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक रिटायर्ड जज जस्टिस के हेमा की एक कमेटी बनाई गई। 2019 तक हेमा कमेटी ने 5000 की एक शॉकिंग रिपोर्ट पिनराई विजयन की गवर्नमेंट को सौंप दी। लेकिन शॉकिंगली विजयन साहब की इस गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज ही नहीं किया। आखिर में एक्ट्रेसेस ने एक RTI डाला और 4 जुलाई 2024 को केरला गवर्नमेंट ने 5000 की इस रिपोर्ट को कट करके 235 रिपोर्ट की एक सेंसर्ड रिपोर्ट रिलीज करी। आइए इस रिपोर्ट की कुछ बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं। पावरफुल माफियाज ने पूरे इंडस्ट्री पे कंट्रोल कर रखा है। कास्टिंग काउच और सेक्सुअल हैरेसमेंट इस इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है अगर आपको रोल चाहिए तो, अदरवाइज पूरे इंडस्ट्री में आपको रोल्स नहीं मिलेगा। और अगर रोल मिल भी जाता है और इसके खिलाफ किसी एक्ट्रेस ने आवाज उठाया तो सोशल मीडिया पे भारी ट्रोलिंग होती है, या तो इनके फैंस या तो इनके IT सेल। महिलाएं इस इंडस्ट्री में हाईली अंडरपेड हैं। ये उन सेंसर्ड रिपोर्ट के कुछ बुलेट पॉइंट्स थे। सरप्राइजिंगली टॉलीवुड एंड बॉलीवुड, इंडिया की दो सबसे बड़ी इंडस्ट्री, इस मामले में बिल्कुल ही शांत है। हालांकि बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से रीता बरी चक्रवर्ती और स्वरा भास्कर फ्रॉम बॉलीवुड, इन्होंने अपनी आवाज तो उठाई है लेकिन इसके अलावा अभी तक किसी ने नहीं बोला। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई कमेटी बॉलीवुड पर बिठाई गई तो कितनी गंदगियां बाहर निकलेंगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।